प्रेस नोट पढ़ देता हूं ताकि सबको पता चल जाए कि प्रेस नोट में क्या है, ताकि इस पर मजीद गुफ्तगू हो और आपके जो भी तजावीज हैं, जो भी आपके सजेशंस हैं, इस पर आ सकते हैं। ये तो एक इंट्रोडक्शन है। डिफरेंट सोशल एंड वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस आर गोइंग टू कंडक्ट दिस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस टू सेव वॉफ ऑन सो एंड सो डेट एंड प्लेस का नाम है। सुप्रीम कोर्ट रूलिंग ऑन वॉकआउट कैन डिक्लेयर अ प्रॉपर्टी एज वॉफ ओनली आफ्टर कंडक्टिंग इंक्वायरी अंडर सेक्शन 40 वॉफ एक्ट, वॉफ एकर्स 32 गुंटर्स एज वॉफ प्रॉपर्टी। द देन एपी गवर्नमेंट वेंट टू सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट हाई कोर्ट डिसीजन फॉर फेवरिंग द वॉक बोर्ड। इसमें क्या हुआ कि उस वक्त की जो कांग्रेस गवर्नमेंट थी वो हाई कोर्ट के डिसीजन के खिलाफ जी टीआरएस पार्टी एंड मिस्टर केसीआर प्रॉमिस्ड इन इलेक्शन मैनिफेस्टो दैट इफ मुस्लिम्स वोट फॉर टीआरएस पार्टी एंड इफ दे कम टू पावर दे विल प्रोवाइड जुडिशियल पावर्स टू वॉक बोर्ड एंड वॉक प्रॉपर्टीज विल बी प्रोटेक्टेड एंड प्रोवाइड 12% रिजर्वेशन फॉर माइनॉरिटीज। मिस्टर केसीआर ऑल्सो प्रॉमिस टू विदड्रॉ द स्टैंड टेकन बाई एस्टवाइल कंबाइंड एपी स्टेट इन द केस इन सुप्रीम कोर्ट। आपका क्या एजेंडा है, हम ये बोल दीजिए, आपको जो क्या है वो आपकी बात पहुंच जाती है जी। हम ये कह रहे हैं कि जो आपने वादा किया था, अपने मैनिफेस्टो में जो वादा किया था वो वादा पूरा करे, लेकिन उसके बरखिलाफ आप उसको प्रोटेक्ट करने के बजाय, उसको विड्रॉ करने के बजाय, एफिडेविट के जरिए सुप्रीम कोर्ट में विड्रॉ करने के बजाय आप जो प्रीवियस गवर्नमेंट का जो स्टैंड था उसी को आगे बढ़ाते हुए और स्ट्रेंथन किए, और उसको स्ट्रेंथन करते हुए जो इफेक्टिव, जो ऑनेस्ट ऑफिसर्स जो काम कर रहे थे उसमें, उनको हटा दिया गया। ये एक जो आपको तबाह कर रहे हैं, आप तबाह होने वाले हैं, आप पूरा खानदान भी तबाह होने वाला है, ये उनको बताना, ये हमारे ये तंबी है उनके लिए। आवर एंसेस्टर्स हैव डोनेटेड देयर वैल्यूएबल प्रॉपर्टीज टू वक्फ इग्नोरिंग इवन देयर चिल्ड्रंस राइट टू द बेनिफिट ऑफ द डिस्टर्स एंड डिजर्विंग पीपल ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी। इट इज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट एंड ऑल द रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन एंड पीपल टू प्रोटेस्ट द वक्फ प्रोटेक्ट the wealth properties which are created, donated for the welfare of the development of the poor and deserving people of the Muslim community. ये अपने यानी offspring, अपने बच्चों को नजरअंदाज करके donate कर दिए हैं for the welfare of the community. Welfare community के जो poor people हैं उनके welfare के लिए donate कर दिए हैं अपने बच्चों को नजरअंदाज करते हुए, लेकिन उसको उसके पीछे पड़े हुए हैं, यानी ये गरीबों का हक मारकर खा रहे हैं। इन अदर वर्ड्स, एज यू नो ऑल मोस्ट ऑफ द माइनॉरिटी डिपार्टमेंट्स एंड फंक्शनिंग विदाउट हेड्स एंड लैकिंग प्रोफेशनल्स क्वालिफाइड परमानेंट स्टाफ। शुरुआत से तो अपन इंटर के तालुक से यहाँ पर एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कर रहा था, इसके अंदर हमारा मुतालबा ये है कि वॉक बोर्ड के जारी से जो रिव्यू पिटीशन दाखिल की जाएगी, इसके अंदर खासतौर से जबकि फैसला तो आ चुका है
नाम की जमीन है बल्कि जबकि मौजूद है हम सभी और भी दूसरे रेवेन्यू दूसरे विकास मौजूद हैं और दूसरे फैसले भी मौजूद हैं। ऐसे हालात के अंदर इसके अगर रेवेन्यू पिटीशन के अंदर मौसम किस्म की अगर पैरवी की जाए तो यकीनन जो है वो वोट की जो है ये 1654 एकड़ जमीन दरगाह हुसैन चावली मणिकुंडा जागीर के नाम से जो पैदा की है लैंको हिल्स वगैरह हमार और जिसे बहुत सारे बड़े बड़े लैंड का बिजनेस करने वाले ये प्रॉपर्टीज के ऊपर जो काबिल हैं ये प्रॉपर्टी वापिस हो सकती है और इसके ऊपर मोबाइल की सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये बनती है कि अच्छे इंकला को मुकर्र करें और हुकूमत भी इसके अंदर इनके साथ ताउन करें और हमारे वक्त के जो जिम्मेदार अहदेदार हैं इसकी मौत की पैरवी करें तो यकीनन जो है ये फिर से दोबारा ये वापस हो सकती है और ये विश्वास कायम हो जाएगी। अगर देखिए अब तो ये फैसला आ गया है लेकिन ये नाम की जमीन है ये हमेशा हर प्रॉपर्टी हर केस के अंदर इसका हवाला दिया जाएगा और औकाफ का जो मौका कमजोर हो जाएगा। और जबकि चीफ मिनिस्टर साहब ने भी वायदा किया था ये चंद्रशेखर राव साहब कि मेरी हुकूमत आती चार महीने के अंदर लैंको हिल्स और भी जो जैसी जो जायदाद देंगे जहां पर एफिडेविट गवर्नमेंट की तरफ से दाखिल किया गया है वो एफिडेविट हम वापस ले लेंगे लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हुकूमत को चाहिए कि जो की जो जायदादें हैं उधर की 75,000 नोटिफाइड जायदादें हैं ऐसी जायदादों के ऊपर जहां 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 गवर्नमेंट की अपने वो दाली है हमारा भी इसके अंदर जो है वैसे जायदादों के ऊपर जो है फौरी वहां उनका जो है एफिडेविट हुकूमत निकाल लेना चाहिए और जो वायदे किए थे केसीआर साहब जुडिशियल पावर दूंगा कमिश्नरेट दूंगा और आफाफी जायदादों का तहफुज करूंगा एक IAS ऑफिसर को मुकर्र करूंगा। 8-7 साल से कम होकर 8वां साल शुरू हो गया है अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है तो मेरी रिक्वेस्ट की है हुकूमत से जो हुकूमत जो वायदे करी थी खासतौर से मुसलमानों से आफाफी जायदाद के ताल्लुक से उस वायदे के ऊपर केसीआर साहब अपने कायम होकर इसके ऊपर अमल करें। थैंक यू। बहुत से फिक्र दी गई है और मैं उम्मीद रखता हूं कि आज के इस अहम इजलास से हम कुछ ठोस तजवीज लेकर के जो है जा सकेंगे। सबसे पहले मैं हमारी अपनी कम्युनिटी की जो कोताही है दुश्मन तो दुश्मन है वो तो हमेशा हमारे दर पर आजार ही रहेंगे। कैसे हम तवक्को करते हैं कि हमारा कोई मुखालिफ हमारा कोई दुश्मन हमारा कोई बदखा हमारी भलाई की सोच सकेगा? नामुमकिन पेशे है ये बात। तो अगर हम समझ रहे हैं तो गोया हम अहमकों की जन्नत में जिंदा हैं। सबसे बड़ी चीज हमारी गफलत है। और फिर इस सिलसिले में अल्लाह ताला अपने पाक कलाम में खुद इरशाद फरमाते हैं इन्नल्लाह ला युगैरु बिकौमिन हत्ता युगैरु मा बिअन्फुसिहिम। और इसी को इसी आयत मुबारका को अल्लामा इकबाल ने शेर का पैरहन दिया है जब खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली ना हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। आज जो हालात इस बात के अक्काश हैं कि हम बेफिक्र रहे हम हमेशा ये सोचते रहे कि तालीम के मसले में अगर हमारे साथ ज्यादती हो रही है तो भाई हमारी जमात है ना हमारे इलेक्टेड नुमाइंदे हैं देख लेंगे वो इन शिकायतों को रफा कराएंगे। बेरोजगारी का मसला है किसी से बात कीजिए अरे क्यों भाई हमको क्या जरूरत है हाउस में कितनी अच्छी तकारीर हुई है हमारे नुमाइंदों की। औकात के सिलसिले में शुरू से मैं जो सुनता रहा हूं कि वक्त वक्त को आमिलाना इख्तियार होना चाहिए इख्तियारात ये उस उम्र में मैं सुना हूं जब मुझे शोर भी नहीं था कि आमिलाना इख्तियारात होते क्या चीज हैं एग्जीक्यूटिव पावर क्या होते हैं ये शुरू से सुन रहा हूं मैं 50 साल से मैं सुनता आ रहा हूं अपने बचपन से। तो जिदानी ग्रामी इस तरह कम्युनिटी की जो है खामोशी कम्युनिटी के अपराध की बेहिसी आज हमको इस दर्जा पहुंचाई है। 1950 में मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कॉन्फ्रेंस में फरमाया था कि मुसलमान और कुछ न करें सिर्फ अपने औकात का इंतजाम और इंसराम बेहतर तौर पे चला लें तो मैं कह सकता हूं कि खयामत तक उनके बच्चों की तालीम का इंतजाम हो जाएगा। लेकिन अफसोस कि हमारे अपने जो है मुंतखब नुमाइंदे पूरी दियानतदारी के साथ कम्युनिटी के मफादात के तहफुज में बुरी तरह नाकाम हो चुके हैं। और ये बात बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं सिर्फ अल्लाह से डरते हुए गैर अल्लाह से नहीं डरते हुए बात कह रहा हूं मैं
अवाकब और नतज की कोई परवाह नहीं है मुझे। मेरे अजीज उमर का जिस मरहले में हम हैं और यहाँ इस हाउस की अक्सरियत है, मैं समझता हूँ जब जरूर तीन दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट आया रैंको हिल की जायदाद के बारे में। रैंको हिल की जायदाद औकाफ की जायदाद है, ये बात तमाम हिसाबों में रहने के बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट से ये जजमेंट आना एक मुसलमानों के लिए इंतहाई शर्मनाक और अफसोसनाक बात है। रैंको हिल की जायदाद का जिस वक्त नगा पट्टी राजगोपाल से केस चल रहा था तो केस अंदर से कर रहा था, जब शर्मनाक की तहरीक में थे उस वक्त उन्होंने कई दफा वादा किया था, बल्कि उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में दिया था कि अगर तेलंगाना में प्यार हुकूमत बनी तो एक महीने के अंदर हुकूमत रैंको हिल केस में दस्तीदार हो गई और जैसे ही हुकूमत बनी खुद चंद्रशेखर राव साहब ने इस केस को सरकारी तौर पर मजबूत किया और उसका जजमेंट जब हाईकोर्ट में केस खारिज हुआ और मजबूत के हक में गया तो कोई चंद्रशेखर राव ने मुसलमानों को धोखा देते हुए इस केस की नुमाइंदगी को सुप्रीम कोर्ट तक लेकर गया और सुप्रीम कोर्ट में जब नुमाइंदगी के वक्त मजबूत से आमदर ताकतवर तरीके से नुमाइंदगी कर रहे तो उनको ट्रांसफर किया गया, यानी कि केवी चंद्रशेखर राव साहब जो हमेशा से एक रिकॉर्ड रखते हैं कि उन्होंने यहां पर तेलंगाना में 70 साल में कांग्रेस हुकूमत ने मुसलमानों के साथ धोखा नहीं हुआ, जिस कारण उन्होंने अपने 7 साल गौर में मुसलमानों के साथ धोखा किया, मुसलमानों को हम हर सुबह में उन्होंने 0% से लेकर आया थोड़ा उनकी हमेशा एक पॉलिसी रही कि मुसलमान को फैराब दो और उनकी तारीफ करो और उनकी इकानी को खत्म करो, इस पॉलिसी के तहत वो काम करते हुए आ रहे हैं और वो कामयाब भी हो रहे हैं। लेकिन रैंको हिल केस के मामले में हम यहाँ पर टाउन धानीगढ़ और बकरा का एक इजलास रखे हैं, इस इजलास में हम ये फैसला कर रहे हैं कि इस केस के लिए हम कोर्ट के जरिए क्या नुमाइंदगी करें, हुकूमत की क्या नुमाइंदगी करें और हुकूमत को गिराने के लिए किस तरह की तहरीक चल रहा है इसके ऊपर हम यहाँ पर फैसला कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला आज हम ये फैसले पर पहुंच जाएंगे कि तेलंगाना के अंदर पीटीआई की हुकूमत जो मुस्लिम जितना हुकूमत है उसके खिलाफ में हम तहरीक शुरू करेंगे।